इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बवाल। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों ने उत्पात मचाया। एनबीए ने इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर से किया गिरफ्तार। इमरान समर्थकों ने लाल टोपी उर्फ जैद हामिद को पीटा। इमरान समर्थकों ने जमकर धुनाई की। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लागू है और हर तरफ इमरान समर्थक सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इमरान समर्थक सड़कों पर जाम लगाकर बैठे हैं। उसी कड़ी में इमरान समर्थकों ने आर्मी समर्थक जैद हामिद को पीट डाला। देखिए ये रिपोर्ट। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में आग लग गई है। हर तरफ राजनीतिक अशांति है और इमरान समर्थक पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर कोहराम मचा रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लागू है, लेकिन पीटीआई समर्थक खुले तौर पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सरकार ने सेना की तैनाती का अनुरोध किया है। इन दोनों राज्यों में हिंसा ने दो लोगों की जान ले ली है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। समर्थक कई सैन्य अधिकारियों के आवास और कैंटोनमेंट में घुसकर आग लगा दी है। पंजाब पुलिस की माने तो सूबे में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने, पुलिस पर हमला करने के आरोप में कार्रवाई की गई है। पूरे प्रांत में हिंसक कृत्यों, तोड़फोड़, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 945 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने पंजाब सूबे में सेना के 10 कंपनियों को तैनात करने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि यह कंपनियां राज्य में कानून व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए सेना जिला प्रशासन के साथ काम करेंगी। इसी बीच आर्मी समर्थक जैद हामिद को पीटीआई समर्थकों ने पीट दिया है। आप वीडियो देखिए, फिर हम बताते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो देख लिया आपने क्या हो रहा है और कैसे इमरान समर्थकों ने कार से निकाल कर पीटा है। जानकारी देते चलें कि जैद हामिद हमेशा से सेना का समर्थक रहा है और भारत पर हमले का हामी है। लाल टोपी के नाम से मशहूर जैद हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगलता है और उसकी राय है कि पाक आर्मी को चाहिए कि भारत के ऊपर परमाणु हमले करके खत्म कर देना चाहिए और अफगानिस्तान और भारत को जोड़कर इस्लामिक रियासत बनाना चाहिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना रेडिकलाइज है जैद हामिद उर्फ लाल टोपी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है और कोई भी देश पैसा नहीं दे रहा है। पाकिस्तान पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ऊपर से इमरान समर्थकों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि पूछना नहीं है। देखना होगा कि आगे लाल टोपी क्या करता है और इमरान समर्थक कब तक शांत होते हैं।